आज से 3 दिवसीय भारत दौरे पर सीरिया के प्रधानमंत्री वालिद मुआलेम पीएम मोदी को आईएस के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान की देंगे जानकारी। विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल से भी करेंगे मुलाकात। राम मंदिर पर रोजाना सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी ने कहा राम मंदिर पर हम जीतेंगे केस, मोदी राज में ही बनेगा मंदिर। जम्मू कश्मीर में नए सीएम के शपथ ग्रहण में हो रही देरी ने उठाए कई सवाल। सूत्रों के हवाले से खबर, महबूबा मुफ्ती और बीजेपी ने एक दूसरे के सामने रखी शर्तें, महबूबा नहीं चाहती डिप्टी सीएम का पोस्ट। इमरजेंसी के दौरान अंग्रेजों से भी खराब था इंदिरा गांधी का शासन, बिहार सरकार की साइट्स पर डाला गया पोस्ट, पोस्ट से कांग्रेस नाराज, नीतीश कुमार के सामने उठाएंगे मुद्दा। दिल्ली में सड़क सुरक्षा वॉक को झंडी दिखाएंगे राजनाथ सिंह। इंडिया गेट पर सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी रहेंगे उपस्थित। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 2012 में सेना की टुकड़ी दिल्ली कूच के लिए बड़ी थी, सेना की कोशिश मनमोहन सरकार के तख्ता पलट की थी। At that point in time, I used to serve in the Standing Committee of Defence, and it's unfortunate, but the story was true. The story was correct. कांग्रेस ने मनीष तिवारी के बयान से किनारा कर लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने तभी से खारिज कर दिया था। और ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि न उस वक्त और न आज जो तथाकथित वक्तव्य आया है मेरे कॉलीग द्वारा या जो उसके बारे में रिपोर्ट आई है उसमें लेश मात्र एक आंशिक रूप से भी सत्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह ने मनीष तिवारी के बयान का खंडन किया। वीरभद्र ने कहा उस वक्त वो कैबिनेट मंत्री थे और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कैबिनेट मिनिस्टर रहा, कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी जहां पर कि आर्मी जो है वो गवर्नमेंट को ऊपर कब्जा कर दे और या आर्मी का शासन चालू हो, ऐसे समय कभी आया ही नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस की ओर से सेना के कूच की खबरों का खंडन किए जाने के बावजूद मनीष तिवारी अपने दावे पर कायम। उन्होंने कहा कि बयान में जोड़ घाटे का सवाल ही नहीं है। जो मैंने कल कहा था उसमें ना जोड़ने के और ना घटाने के लायक कुछ है। जो टिप्पणी मैंने की थी उस टिप्पणी के बाद और कोई टिप्पणी बनती नहीं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने भी यह खुलासा किया था कि 16 जनवरी 2012 की कड़कड़ाती ठंड वाली रात को इंडियन आर्मी की दो टुकड़ी दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। इनमें से एक हिसार में तैनात इन्फेंट्री यूनिट थी और दूसरी आगरा में मौजूद 50 पारा ब्रिगेड थी। सेना की इस गतिविधि की सरकार को कोई जानकारी नहीं थी, इसके बारे में खुफिया एजेंसियों ने सबसे पहले रक्षा मंत्री को खबर दी। इसके बाद 17 जनवरी को प्रधानमंत्री को इसके बारे में जानकारी दी गई। अखबार के मुताबिक इस बाबत जब सेना से सवाल किया गया तो जवाब मिला कि सैन्य यूनिट की हलचल सामान्य थी, ऐसा कोरे और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए और सेना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए किया जाता है। मनीष तिवारी के आरोप पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने मनीष तिवारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनीष तिवारी को कोई और काम नहीं है। अरे मनीष तिवारी जी के पास आजकल कुछ काम नहीं है, उनको बोले मेरी एक किताब है उसको पढ़ लेंगे अपने आप सब खुलासा हो जाएगा। मनीष तिवारी के दावे पर पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा मैंने पहले ही संसद में इस संबंध में कह दिया था कि कृपया मेरे पूर्व का बयान देखें। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने वीके सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वीके सिंह को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। व्यक्ति को एक मिनिस्टर बनाना इससे बड़ी गलती हो ही नहीं सकती है। इस संदर्भ में वीके सिंह को निकाला जाए तो तब बेहतर होगा, देश को हम और आश्वासन के साथ बचा रख सकते हैं। मनीष तिवारी के बयान पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया है। सिद्धार्थनाथ ने कहा कि जब उनकी सरकार ने इस बात से इनकार किया तो मनीष तिवारी चुप क्यों थे? आप उस समय जब आपकी सरकार ने डिनाई किया था कि ऐसा कुछ है नहीं, इस तरह का कोई मूवमेंट हुआ नहीं आर्मी की तरफ से, तो आपने उस समय सच क्यों नहीं बोला? कहीं आपका आप जो बोल रहे हैं। जेडीयू नेता अली अनवर ने वीके सिंह पर निशाना साधा है। अली अनवर ने वीके सिंह की मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं। वीके सिंह साहब हैं, उनका क्या माइंडसेट है
दलितों के लिए, माइनॉरिटी के लिए वो क्या ख्याल रखते हैं, तो ये तो अभी सोच करके और कहाँ पूछता है कि जिस पोस्ट पर होंगे कितने लोगों का के साथ ये अन्याय किए होंगे इस सोच के साथ। कांग्रेस नेता पीसी चाको ने मनीष तिवारी के बयान को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार की जानकारी के बिना सेना के कूच की कोई घटना नहीं हुई। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किया है कि हर साल 30 जनवरी को शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हम सिर्फ 3 मंदिर मांग रहे हैं, मथुरा, काशी और अयोध्या, हम महाभारत नहीं चाहते। हमने कहा 40,000 मंदिरों को इस तरह से आपने तोड़ा है, ये बादशाहों ने तोड़ा है, हम सारा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ 3 मांग रहे हैं, मथुरा, अयोध्या और काशी विश्वनाथ। और हम जैसे कृष्ण भगवान ने कहा 5 गांव दे दो दुर्योधन को, पर दुर्योधन अहंकार में कहा कि नहीं मैं वो सुई के जो नील पॉइंट है उसको भी नहीं दूंगा, तो इसीलिए महाभारत हुआ, महाभारत नहीं होना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी के कृष्ण पैकेज के बयान पर भी अली अनवर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दंगा कराना चाहती है, भारत की सीधे सीधे महाभारत की चेतावनी दे रहे हैं और गदर काटेंगे ये कह रहे हैं, दंगा फसाद कराएगी बीजेपी ये कह रहे हैं, इनके कहने का यही मतलब है। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर हाशिम अंसारी ने कहा कि मस्जिदों को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, स्वामी को जो कहना है सुप्रीम कोर्ट में कहे। अब इन लोगों की हिम्मत अदालत पर आने की नहीं है, इलेक्शन करीब है, जिसको कोई बयानबाजी करना है वो है सुप्रीम कोर्ट में आवे, सुब्रमण्यम स्वामी अपना बयान वापस लें और सुप्रीम कोर्ट के सामने आवे। राम मंदिर को लेकर आजम खान ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तेजी से दलदल में धंसती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उसी तरह दलदल में गिर गई है जिस तरह कांग्रेस थी, और दलदल की खूबी यह है कि इसमें गिरने वाला जितने हाथ पैर मारता है उतना नीचे ही धंसता चला जाता। बाबरी के मुद्दे हाशिम अंसारी ने सपा नेता बुक्कल नवाब के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बुक्कल नवाब को माफी मांगनी चाहिए, मुकदमे में कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर बुक्कल नवाब को कुछ कहना है तो सुप्रीम कोर्ट आवे और सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान दे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भारत लौट आए हैं, वो छुट्टियां मनाने के लिए यूरोप गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद के साथ पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। सोनिया गांधी मुफ्ती मोहम्मद सईद रस्मे चोहरम में शामिल होने गई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की और उसके बाद कहा कि उन्होंने शोक संवेदन प्रकट करने के लिए मुफ्ती से मुलाकात की। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और उनके परिवार के अन्य सदस्य बिजबेहरा में दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र पर पहुंचे और वहां फातिहा पढ़ी। पंजाब के बाटला में सेना की पैंट पहने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध झाड़ियों में छिपकर बीएसएफ की चौकियों की रेखी कर रहा था। पठानकोट हमले में संदिग्ध गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह को सोमवार दिल्ली लाया गया, पहले आज ही उन्हें दिल्ली लाया जाना था। एनआईए ने उन्हें पूछताछ और लाइव डेटा टेस्ट के लिए दिल्ली बुलाया है। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने पाक पीएम नवाज शरीफ से की बात, पठानकोट हमले में कार्रवाई की मांगी जानकारी। नवाज ने कहा विदेश में आतंकी हमलों के लिए अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नर्सरी में सिफारिश की जरूरत नहीं होगी, आसानी से एडमिशन होगा। क्राइटेरिया शुड बी फेयर, रीजनेबल एंड ट्रांसपेरेंट, और हमारे संविधान में आर्टिकल 14 कहता है कि सबको बराबरी का अधिकार है, शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ये तो जरूरी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बच्चों के एडमिशन के लिए माँ बाप से सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, एडमिशन के नाम पर अजीबोगरीब सवाल नहीं किया जाएगा। माँ बाप को पेंटिंग आती है तो बच्चे को नंबर दिए जाएंगे, ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी है। इसका मतलब क्या था, आप उनकी मंशा समझने की कोशिश करो। उनकी मंशा थी जिसके बच्चे को लेना है उसको ले लेंगे और जिसके नहीं लेना उसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया निकाल के रिजेक्ट कर देंगे। इसके दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके के झुग्गी झोपड़ी में आग लग गई जिससे 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई।
फतेहपुर में बीजेपी के महामंत्री स्वतंत्र देव ने सुब्रमण्यम स्वामी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि स्वामी जो कहते हैं वो सच हो जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के पीएम की तुलना भगवान से भी कर डाली। जौनपुर में प्राइमरी स्कूल में शिक्षक अवधेश गांव के बच्चों को ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू करा रहे हैं और उसके बारे में बच्चों को जानकारी दे रहा है, बावजूद उसके शिक्षक को इसके लिए किसी भी तरह का बजट नहीं मिल रहा। फरुखाबाद में चल रही सेना भर्ती के दौरान एक फर्जी लेफ्टिनेंट कर्नल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोंडा में एक सिरफिरे आशिक ने अभियुक्त की तरफ से फोन करके सीओ को धमकी दे डाली। कासगंज के सावर गेट पर नशे में धुत एक लड़की ने बीच सड़क में जमकर हंगामा काटा। कानपुर में बढ़ते क्राइम ग्राफ के मद्देनजर ग्रामीण गांव छोड़ने को मजबूर हैं। कानपुर में सफाई एक महिला की पैरवी के लिए हिस्ट्री शीटर के साथ थाने पहुंचे। मेरठ में कार में सवार बदमाशों ने तेल व्यापारी की गाड़ी रोककर 10 लाख रुपए लूट को अंजाम दे दिया। कानपुर में रूमा बहुती फ्लाईओवर से उल्टी दिशा से आ रही कार की टक्कर से टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 लोगों की हैलेट में इलाज के दौरान मौत हो गई। बरेली में फर्जी पासपोर्ट मामले में एक इंजीनियर का नाम सामने आया है। बरेली के रहने वाले इंजीनियर ने रामपुर, बरेली और मुंबई के पते पर 4 फर्जी पासपोर्ट बनवाए हैं। मेरठ में कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर के लेटर पैड पर एडमिशन स्थानांतरण करने के नाम पर 6 लाख का फ्रॉड हो गया। खेल उत्पाद के कारोबारी से पूर्व महानगर अध्यक्ष का भतीजा बनकर रकम वसूली गई। हरदोई में केंद्रीय विद्यालय का भूमि पूजन करने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची। बस्ती पहुंचे डुमरियागंज के सांसद और बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल राम मंदिर पर बहस को जरूरी मानते हैं। एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने मेरठ पहुंची साध्वी प्राची ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधिकारी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के साई पब्लिक स्कूल में कुछ लुटेरों ने धावा बोलकर 150 से ज्यादा मार्कशीट लूट ली। इलाहाबाद में 1 माह तक चलने वाले माघ मेले आने वाले मरीजों के लिए आई दवाइयां कूड़े के ढेर में पाई गई। कानपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक के 400 छात्रों पर नवाबगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। छात्रों के खिलाफ तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। रविवार को दिल्ली हावड़ा रूट के फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर बम की खबर से अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। कानपुर के थाना कर्नलगंज में कवैशी मोहम्मद उमर ने पड़ोस में रहने वाली युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया। कानपुर के बाबूपुरवा क्षेत्र में लोगों ने सीवर के पानी में खड़े होकर बीजेपी विधायक रघुनंदन भदौरिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। आगरा में मात्र 8-9 साल की बच्चियों के साथ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पिछले 3 महीने से लगातार घिनौनी करतूत करता आ रहा था। समाचार प्रस्तुति खबर का बड़ा असर, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु को लिखा पत्र, कहा समाचार प्रसारण ने किया संगीन खुलासा। फैजाबाद की मवई थाना क्षेत्र के बखेड़ी जंगल में कुछ संदिग्ध बदमाशों के छुपे होने की खबर से हड़कंप मच गया। बागपत के सिंगावली थाना इलाके के खिंदौड़ा गांव से 31 दिसंबर से लापता चल रही छात्रा काशा वीक के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। मिर्जापुर में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से सब्जी व्यवसायी की मौत हो गई। फैजाबाद में हरे पेड़ की कटान की खबर पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर गांव के ही प्रधान और उनके समर्थकों द्वारा हमला कर दिया गया। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने डीएम कार्यालय को सील कर अपना कब्जा जमाते हुए अपनी झोपड़ी ऑफिस में डालते हुए वहां धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। देवरिया जिले में जमीनी विवाद के कारण एक ही परिवार में तीसरी हत्या हो गई। जमीनी विवाद में हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। मथुरा के थाना कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक सूचना के आधार पर 3 छात्र लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर जेल में बंद हत्यारोपी कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। चंदौली में रेलवे की जमीन अधिग्रहण के बाद उचित मुआवजे की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने किसान महापंचायत की। कई जिलों में सद्भावना यात्रा निकालकर लखनऊ पहुंचे बिजली विभाग के निजी कर्मचारी, बयां किया अपना दर्द। रीप के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवेश उपाध्याय का कहना है कि जिस दिन हिंदू समाज चाहेगा वो मंदिर को भव्य बनाने का काम शुरू कर देगा। नोएडा पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शख्स का नाम उत्तम सिंह है। बदायूं में कुदरत का करिश्मा हुआ है, जो एक नवजात मरकर जिंदा हो गया। कासगंज में गैस ट्रांसपोर्टेशन टैंकर के सेफ्टी वॉल से एलपीजी का हुआ रिसाव, टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार। गोरखपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के विंध्यवासिनी नगर कॉलोनी में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने 56 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया है। फरुखाबाद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में हवाई पट्टी के सामने एक बड़े सड़क हादसे में एक डीसीएम ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया। फरुखाबाद कंपल थाने की सिवारा चौकी में तैनात सिपाही बालकृष्ण की ठंड में भी तबियत बिगड़ने से अस्पताल आते आते मौत हो गई। पीलीभीत थाना पूरनपुर क्षेत्र के कस्बे में 21 वर्षीय छात्र की हत्या कर दी गई। इलाहाबाद में संगम की रेती पर देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई।
मथुरा पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लग गई है। दरअसल पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान मंडी चौराहे से एक गांजा तस्कर को गांजा गिरफ्तार कर लिया है। मैनपुरी में जिला पंचायत सदस्य की मौत के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शामली की जिजाना पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ रुपए की चोरी के तांबे के 4 सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फतेहपुर में इंडियन नेवी के एक जवान ने ननिहाल में रह रही एक लड़की से पहले इश्क रचाया, फिर उसे धोखा देकर ब्लैकमेल करने लगा। मथुरा के थाना सुनील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक 41 गाड़ी का टायर फट गया, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मऊ जिले में सिविल जज जूनियर जैन की अर्गुली चिंतामणि अज्ञात कारणों से ट्रेन से कटकर मौत हो गई। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की ओर से वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में राज्यपाल राम नाईक ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सहारनपुर के थाना कुतबेश्वर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब बहुचर्चित 11 साल की नाबालिग छात्रा हत्याकांड का खुलासा कर 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ताजनगरी आगरा अपहरण नगरी बनती जा रही है। गंडौली के हसनपुरा गांव के बीए के एक छात्र को कुछ अज्ञात बदमाशों ने उठा लिया। बधोई में NH-12 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनने वाले सड़कों का बुरा हाल है। गोरखपुर में समाचार पत्र की खबर का असर, कमिश्नर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार। मुरादाबाद की ट्रैफिक पुलिस ने की बदसलूकी, छात्रों को परीक्षा दिलाने ले जा रहे वाहन स्वामी को घसीटते हुए कार की डिग्गी में किया बंद। पीलीभीत से पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही के खाते से 80,000 पार हो गए। बांदा जिला अस्पताल में दलालों का बोलबाला, मरीजों के तीमारदारों से हो रही है लूट। बागपत में किसानों की बिजली पानी गन्ना भुगतान की विभिन्न समस्याओं को की मांग को लेकर भाकियू कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। मऊ के प्राथमिक विद्यालय परिसर में लगा हैंडपंप 2 वर्षों से खराब है, लेकिन इसकी मरम्मत कराने की जहमत किसी ने आज तक नहीं उठाई। फरुखाबाद में पुलिस के विशेष अभियान को चुनौती, एक तरफ पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी, दूसरी तरफ इटावा बरेली हाईवे पर युवक का शव मिलने से सनसनी। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नए साल में विधायकों को नई जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधायकों को पत्र लिखकर और SMS के माध्यम से निर्देश दे दिए हैं कि 11 जनवरी से 21 जनवरी तक वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएं। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सीएम हरीश रावत को नोटिस जारी किया है। नोटिस सीएम हरीश रावत की गाजियाबाद में जमीन पर हुए मानकों से हटकर निर्माण पर मिला है। पठानकोट हमला और देशभर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से जम्मू की आईटी वाले एक परिवार को दिल्ली के पहाड़गंज के होटल में कमरा तक नहीं मिला। कीर्ति नगर को तहसील बनाने की मांग फिर उठने लगी है, स्थानीय लोगों को सीएम से लगी उम्मीद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने साफ कहा है कि हरिद्वार में बीजेपी की पंचायत चुनाव में हुई हार की जल्द समीक्षा होगी। उत्तराखंड के प्रसिद्ध गीतकार साहित्यकार चंद्र सिंह राही का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रायपुर क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और जनता के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट में हुई आतंकी घटना के बाद पूरे देश में खुले बाजार में बिक रही सेना की वर्दी को लेकर चर्चा शुरू हो गई। लंबे वक्त से गेस्ट टीचर के तौर पर नियुक्ति दिए जाने की मांग कर रहे PhD धारकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार यदि चाहे तो हरियाणा दिल्ली की तर्ज पर उन्हें नियुक्ति दे सकती है। उत्तराखंड क्रांति दल ने 2017 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वन्यजीव द्वारा किए जा रहे नुकसान से सेम लखिया गांव के ग्रामीण आजीज आ चुके हैं। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 24 फरवरी को WWE रेसलिंग के चैंपियन द ग्रेट खली का शो होना है। विकास नगर में वीर शहीद केशरी चंद महाविद्यालय डाक पत्थर के मैदान में खड़ी झाड़ियों में कुछ शरारती तत्वों ने आग लगा दी। हल्द्वानी में 27वें सड़क सुरक्षा सप्ताह की RTO गुरु नाम सिंह ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत अल्मोड़ा के माउंटेन ड्राइविंग स्कूल ITDP के बिमौला में हुई। सांसद आदर्श ग्राम बग्गा चौवन इंटर कॉलेज में रमसा के तहत चल रहे भवन निर्माण के कार्य का लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता KC पंत ने जायजा लिया। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन में काबिज गपूर बस्ती वासियों की हाईकोर्ट के आदेश के बाद नींदें उड़ गई हैं। कोटद्वार नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों अवैध अतिक्रमण ने पूरे शहर की यातायात व्यवस्था को बाधित कर रखा है। राजधानी देहरादून में सोमवार से सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान शुरू होने जा रहा है। हमेशा की तरह सुरक्षा सप्ताह सिर्फ औपचारिकता ही नहीं रह गया, विभाग इसमें गंभीर नजर आ रहा है। बागेश्वर में नगर पालिका सभागार में आयोजित उत्तरायणी मेले की तैयारियों को लेकर समिति और पालिका बोर्ड की एक फाइनल मीटिंग ली गई।
पिथौरागढ़ में प्रसव के बाद महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने महिला चिकित्सालय में काटा हंगामा। परिजनों ने चिकित्सक और स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप। हरिद्वार के सुभाष घाट पर विद्युत विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। यहां पर फेंसिंग के लिए लगाए गए बिजली के पोल गंगा घाट में लगी रेलिंग में बांध कर लगा दिए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का सीएम पर बड़ा हमला, कहा मैं क्यों लिखूं, अरुण जेटली को पत्र, मुख्यमंत्री गलत बयान ही करते हैं। दून में देर रात सड़क हादसे में हुई दो की मौत, मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्रीनगर में तीन सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे पूर्व सैनिकों ने केंद्र और राज्य सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि अक कराया। हरिद्वार में मनसा देवी रोप वे के पास एक बार हसिंगा को देखे जाने के बाद वहां हड़कंप मच गया। तुर्की में 10 दिनों से लापता युवक का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। कालाडूंगी के मोटेश्वर महादेव मंदिर में बाइक सवार नीलगाय से टकरा गया, जिससे एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। देहरादून में पीपीपी मोड पर चल रहे अस्पतालों में इन दिनों टायलेट के हुए उपचार को परेशान है लोग। हल्द्वानी में पंजाबी जनकल्याण समिति द्वारा लोहड़ी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। विकास नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहैया के डॉक्टर और कर्मचारी 4 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर चले गए। काशीपुर में सामने आया नगर निगम का घोटाला, गरीबों के लिए बनाई योजना, JNRUM में चढ़ी घोटाले की भेंट। नैनीताल के भीमताल से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित कमल तालाब इन दिनों खस्ता हाल हो चुका है। कोलकाता में अपना कार्यक्रम होने से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान गजल गायक गुलाम अली बॉलीवुड गायक मीका सिंह के कॉन्सर्ट में अचानक पहुंच गए। AIB नॉकआउट इवेंट केस में करण जौहर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बीते रोज मुंबई में फराह खान की बर्थडे पार्टी हुई, इस मौके पर बॉलीवुड के जाने माने सेलेब्स यहां पहुंचे। 42 साल के हो गए ऋतिक रोशन को बर्थडे पर ये तोहफा मिला है। पिता राकेश रोशन की मध्यस्थता के बाद यशराज बैनर के आदित्य चोपड़ा से उनका समझौता हो गया। बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन का आज जन्मदिन है। ऋतिक रोशन आज अपना 42वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल रियलिटी शो आवदार इंडिया की विशेष कड़ी को होस्ट करते हुए नजर आएंगे। बॉलीवुड की आइटम गर्ल और एक्ट्रेस राखी सावंत के भाई राकेश सावंत को मुंबई के ओशिवारा पुलिस ने टीवी अभिनेत्री रितु खन्ना के साथ बदसलूकी और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। राखी सावंत के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टीवी एक्ट्रेस ने उन पर छेड़खानी का आरोप लगाया था।